जी फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले 1 किलो शिमला मिर्च ले ली है। इसको अच्छे तरीके से हमने माशाल्लाह धो लिया, देखें कितनी खूबसूरत हैं ये। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें ये जो हमने हमारी शिमला थी, हमने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है, और साथ ही हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपने तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन ले लेना है, कीमा ले लिया, आधा किलो हमने कीमा ले लिया है, 3 कटी हुई हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, 3 कटे हुए हमने प्याज ले लिए हैं, 1 हमने कुकिंग ऑयल का ले ली कप ले लिया है, 1 कटोरी हमने दही ले लिया है। जी फ्रेंड्स, हम अपने प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन के जो लिया था हमने वो लहसुन ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम 3 अदर मिर्चें जी हमारे पास वो ऐड कर लेते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी शिमला मिर्च भी ऐड कर ली है, और 3 कटे हुए जो हमारे पास प्याज थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद 1 गिलास पानी ऐड कर देना है ओनली। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और साथ ही हमने ऐड करना है इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी, तकरीबन हाफ टी स्पून हमने हल्दी ऐड कर लेनी है, और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेना है। ये जो हमारा कीमा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें कि हमने इसके अंदर अपना कीमा भी, जो हमारे पास कीमा था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हम इसको लगाते हैं प्रेशर, 8 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने के बाद हम इसको रखते हैं चूल्हे पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें डाल के अपना प्रेशर चूल्हे के ऊपर रख दिया। देखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने रखा है, आपने भी मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखना है 8 मिनट के लिए। 8 मिनट इसको पकने देना है। 8 मिनट के बाद हम अपना प्रेशर खोलेंगे, फिर आगे आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, 8 मिनट हो चुके हैं, हमने आँच अपनी कर दी है बंद। अब हम इसको खोलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है। शिमला मिर्च, कीमा, सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी होंगी। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारी शिमला मिर्च और कीमा बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह गल गए हैं। अब हम इसको डालते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई के अंदर डाल ली है, अब हम इसको भूनते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, और इसके साथ ही हम ऐड कर लेते हैं 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं 1 कप। अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से भुनी जा रही है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। हाफ टी स्पून सूखा धनिया पीसा हुआ, 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। 1 कटोरी दही की जो हमने ली थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपके हमारी कढ़ाई माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आया इसका, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो इसको बनाने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब हम इसको करते हैं डिश आउट, और डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा धनिया गार्निश कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक का ये। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मज़ीद जो नई वीडियोज़ हम अपलोड करें वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।